जय माता दी, जय गुरु जी, माई डियर फैमिली। और कैसे हैं आप सब? मैं तो स्वस्थ मस्त और ठीक ठाक हूँ। और अपने प्यारे गुरु महाराज और माता रानी जी से हमेशा आपके लिए मांगती हूँ ढेरों दुआएं कि मेरा परिवार रहे स्वस्थ और मस्त। और ठंड इतनी है कि नाक से पानी निकलना शुरू हो गया, तो इसलिए मैंने पहन लिए हैं ठंड से बचने के लिए गर्म गर्म कपड़े। और काफी दिनों से संगत जी मेरा कोट नहीं मिल रहा, मैं कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ। ऊपर के कमरों में भी ढूंढ लिया, नीचे के कमरों में भी ढूंढ लिया, और फिलहाल आज अपनी कबर्ड देखूंगी और जहां कहां जहां नहीं ढूंढा है वहां ढूंढूंगी अभी कुछ ही पल में। तो आपको मैं बता दूं आज मैं सुबह सुबह इतनी रेडी क्यों हो गई हूं। तो फ्रेंड्स, आज फिर से गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, गुरु महाराज जी की इतनी जो हमारे पे कृपा बरस रही है कि आज फिर से इनके नाम का सिमरन करने का हमें मौका मिला है, सच का संग करने का मौका मिला है। तो आज का हमारा ये जो सत्संग है त्रिकुटा नगर में है, और बहुत ही प्यारी आंटी जी हैं, तो उनके घर पे आज हमारा सत्संग है, तो इसीलिए मैं रेडी हो गई हूँ। बट फाइनली अभी एक चीज़ मुझे अपनी ढूंढनी है, कोट वो मिल गया, तो जल्दी से मैं बेयर करूंगी और ठंड से बचने के लिए जल्दी 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 त्रिकुटा नगर पहुंच जाऊंगी। और त्रिकुटा नगर जाने के लिए असुविधा भी होती है क्योंकि काफ़ी दूर यहाँ से पड़ता है, लगभग आधा घंटा लगता है अपनी बाइक या गाड़ी पे। तो हमारे पास ना ही कोई गाड़ी है ना ही कोई बाइक, क्योंकि जो हस्बैंड चले गए हैं शॉप पे और उनको बार बार बुला के बोलना कि मुझे छोड़ाओ छोड़ाओ तो अच्छा नहीं लगता। देखिए, उनको भी अपने काम करने हैं जैसे मुझे अपने काम करने हैं। तो हम चारों सहेलियों ने डिसाइड किया है कि ई रिक्शा कर लेते हैं या ऑटो कर लेते हैं, क्योंकि मेटाडोर में जाना कभी कभी असुविधा लगती है, उसमें देरी से पहुंचते हैं। तो कभी कभार जो फैमिली वाले सत्संग कराते हैं वो भी हमें आके लेके चले जाते हैं, बट जब कोई रास्ते ना हो तो गुरुजी हमारा रास्ता बनाते हैं ई रिक्शा भेज के या ऑटो भेज के। तो फाइनली मैं अपने जाके अंदर कपड़े ढूंढती हूँ जो मेरा गुम हुआ है। तब तक आप कीजिए मेरी प्यारी संगत जी एक काम, और मुझे निराश मत कीजिएगा। अपनी इस बेटी को, अपनी इस आंटी को, अपनी इस दीदी को, अपने इस गुरु परिवार के सदस्य को नाराज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स, कोई भी गलती हो, कोई भी मिस्टेक हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के मुझे भेजिएगा ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे नहीं तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे, और व्यूज़ कहीं से नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, अपने लिए, मेरे एक शौक है, एक इच्छा थी मेरे अंदर कुछ कर दिखाने की, तो जो गुरु महाराज ने पूरी की है। और इसी साल का वो दिन है जिस दिन मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया था, और बहुत जल्द ही वो दिन आने वाला है और उस दिन होगी सेलिब्रेशन। जी हाँ, उस दिन होगी सेलिब्रेशन, और वो कौन सा दिन है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो सरप्राइज है। वो एक ऐसा दिन है संगत जी जिस दिन मेरे गुरु जी ने मुझ में हिम्मत भरी थी कि चल उठ कुछ करके दिखा, तो मैंने कुछ करना दिखाना शुरू कर दिया था, जिसमें प्यारे गुरु महाराज का बहुत ही साथ रहा है और आप लोगों का भी बहुत ही हाथ रहा है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई चैनल। मेरा इसी तरह साथ दीजिए, प्यार कीजिए, और वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन जो सब्सक्राइब लिखा रहता है उसे दबाइए, और बेल आइकन बटन को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, आधे रास्ते पे कभी मत छोड़ना, आपके बिना मैं अधूरी हूँ, आपको पता है आगे क्या करना है। मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी है, और मेरी आईडी है anuraina221। जी हाँ, anuraina221। और फ्रेंड्स, मैंने एक अपना अलग से एक शॉर्ट्स का चैनल भी बनाया हुआ है, तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक उसमें बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ मेरी एक हेल्प कीजिए, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो जैसे जैसे आप मेरे में हिम्मत भरेंगे, पेशेंस भरेंगे, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुश रखूँ। और आपको खुश रखने के लिए मुझे जोकर भी क्यों ना बनना पड़े, आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, तो आपकी अनुराधा ये भी करेगी। जय माता दी, जय गुरु जी। तो मैं जल्दी से ढूंढती हूँ अपने कपड़े। ये है फाइनली मेरे स्टोर का हाल, कपड़ों की समझ ही नहीं है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। तो आज टाइम लगेगा तो समेटूंगी, बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, कोई भी कपड़ा दिख नहीं रहा। इसकी लाइट तो जला कृष्णा जनरल स्टोर की, समझ नहीं आ रहा कौन सा कपड़ा कहाँ पड़ा। और पापा का हाल देखो, ये जैकेटें, तीन तीन चार चार जैकेटें यहाँ टंगी हुई हैं। खिड़की कहाँ से खोलूं, ठंड आ रही है बाहर से बहुत। क्या ये हाल है इसके, इस लेग्स नहीं पता। ये तेरी पैंट भी यहाँ पे टंगी हुई है, तू उठाता ही नहीं है यहाँ से, उठाया कर, ये उंगलियां मत रखा कर, यही आता है तेरे को, ठंडी हवा आ रही है। ओहो, बाहर का हाल देखो, ये किचन की खिड़की में से
बड़ी ठंड है और कृष्णा को लग गई है भूख, तो मैंने मंगा ली है ब्रेड, क्योंकि सुबह से बिल्कुल थक गई हूँ मैं और बार बार अब मुझसे कुछ नहीं बनता। वो सोच रहा है कि शायद मम्मा कुछ बनाए, पकौड़े बनाए, और बाजार से मैं मंगाने नहीं वाली, तो वो भी मैं इसको ब्रेड देती हूँ। सुबह पूड़ी मंगाई थी और उसके चने भी पड़े हुए हैं, तो कृष्णा चने पूड़ी दे दो, चने ब्रेड दे दो, सॉरी चने और ब्रेड क्यों, किसके साथ खाएगा? तो फिर मैं गुरुजी के लिए सिंपली ऐसे ब्रेड फ्राई कर रही हूँ चाय के साथ, वो खाएगा? इतनी ठंड में कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, बार 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 आओ चाय बनाओ ये बनाओ और फिर ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धो, क्योंकि गर्म पानी से बर्तन धोने पे सारी उंगलियां स्वेल सी हो जाती हैं, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो फिर से ऑर्डर आ गया चाय का, ठंड है क्या करे बच्चे भी। उमा गुरु जी डब्बा भी नहीं खुल रहा मेरे से, बड़ी ठंड है बड़ी ठंड है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय हो मेरे प्यारे गुरु जी, जय हो मेरी सच्ची सरकार, जय गुरु जी। चाय पियो गुरु जी, बड़ी ठंड हो गई है और आपको भी गुरु जी ठंड लग रही होगी। जय गुरु जी, स्वीकार करो प्रसाद, जय गुरु जी, चाय प्रसाद को ब्लेस करो गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी ये जरूर जरूर ये प्रसाद खाना, आज मैं भी बंदना आंटी की तरह जिद करूंगी, जरूर खाना आप जरूर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी आज बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं प्यारे गुरु जी के। ये देखिए संगत जी, गुरु जी की गद्दी पे चरण दिख रहे हैं, ये दो चरण बने हुए हैं, मानो जैसे गुरु जी उतर के नीचे आए होंगे, तो ये उनके चरणों की छाप सी बन गई है। और अगर ध्यान से देखा जाए संगत जी, तो बीच में चेहरा भी दिख रहा है, तो आप कहेंगे ये क्या क्या बोलती रहती है संगत जी, तो ये वही है जो गुरु जी मुझे जैसे जैसे ब्लेस करते हैं, और गुरु जी सभी को ब्लेस करते हैं और सभी को वो अलग अलग तरीके से ब्लेसिंग्स देते हैं अपनी। तो आज मुझे इस तरह से उन्होंने ये वाले दर्शन दे के ब्लेस किया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। जय माता दी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज हमारी बारी मेटाडोर में आई है, पर मजा आता है कभी कभी, है ना? कॉलेज के दिन याद आते, कॉलेज के दिन याद आते जब मेटाडोर पर जाते थे, उन दिनों बड़े गाने लगे होते थे। तूने कहाँ देखी मेटाडोर, तेरे दिल्ली में ऐसी है? नहीं, नहीं। फिर तुझे कॉलेज के दिन कहाँ से याद आएंगे? मेट्रो चलती, हमारी मेट्रो चलती, मेट्रो चलती, हमारा बचपन हमारी जवानी मेटाडोरों में ही बीत गई है। सही, बिल्कुल। तेरा नोटिस, तेरा सब कुछ नोटिस होएगा, मेटाडोर से उतर के ये रिक्शे में बैठ गए, शिवाली आंटी का वेट कर रहे थे क्योंकि हमें कुछ पता नहीं चलता है ना। मेरे को तो सब कुछ पता है ना, आप हमारे गूगल हो, गूगल मैप हो, आप गूगल मैप हमारे लिए, सही बात है, हमारे गूगल मैप हो, आप ना हो तो हम कहीं ना पहुँच सके। पर ये रिक्शा पे बैठने का मजा बड़ा आता है, मजा जब ये आई लगे ना जम्मू में, मेरा कहती मम्मी ऐसा लग रहा है दिल्ली में आ गए हम। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, ये कौन सा अपार्टमेंट है, क्या नाम है इनका, क्या नाम है? रॉयल नेस्ट, रॉयल नेस्ट, ओके ओके। जय गुरु जी, क्या हुआ साइन हुए तेरे? क्यों क्या इतने डन होते भाई, हमें तो कुछ नहीं समझ आता, हम चलते चलते हैं, हम सिर्फ चलते हैं उनके पीछे पीछे। मैम आप आगे निकल गए, हम आपके पीछे पीछे हैं।
8 फ्लोर पे ये ऊपर गई, ये ऊपर जाने को नहीं चाहिए। आज और इसी बात क्या हो रहा, तो क्या ये देख तू कैप्चर हो रही है, ठंड लग रही है इसका हाथ में। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी, जी वेलकम, फाइनली पहुंच गए, फाइनली गॉड ब्लेस यू, जय गुरु जी, आरती आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमें तो कभी पता भी ना चले सच्ची में, क्या ये अपार्टमेंट्स का पता भी ना चले। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, ठीक है जी, कैसे जय गुरु जी, बस ठीक है, आप सुनाओ। यहाँ तो दरबार सज भी गया, वाह क्या निकल रहा आंटी, आप बता दो जरा आते ही दर्शन शहद निकल रहा है, वाओ दूध जैसा, दूध है और ये सब रूप, और सुबह डिफरेंट तरह वर्षा भी थी, और ये सब रूप कितना सुंदर है ना, कितना डिफरेंट सा, इसमें दर्शन दिए हुए। क्या हुआ, हम जब सुबह आए ना तो घर से, तो हम यहाँ पे बैठे तो हमने दीदी को बोला अच्छा यही स्वरूप लाए, जब हम बैठे तो हमको साइड में से कुछ तेज सा लगा, फिर हम सामने गए तो वहाँ देखा मुंह से, यहाँ मुंह से ऐसे धाराएं सी बह रही थी, और अब थोड़ा सा और देखिए जल वर्षा भी हो रही थी उस टाइम, जल वर्षा हो रही थी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। क्या हुआ आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो प्यारी संगत जी ये देखिए कितनी ज्यादा शहद की वर्षा हो रखी है सब रूप पर गुरु महाराज जी के, जय गुरु जी, जय गुरु जी, ये पूरी धाराएं सी बनी हुई है इधर से, हाँ जी वो ऊपर से हो रही है, वो ऊपर पैनल से ऊपर हो रही है, ये देखो मैं क्लोज करके दिखाती हूँ, इसके नीचे से हो रही है, नीचे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी हर जगह अपना प्रमाण देते हैं, हमारी तपस्या सफल कर दी है गुरु जी ने, है यहाँ तक पहुँचते ही दर्शन दे दिए हमें, जय गुरु जी। आंटी जी कितना खुश हो आप, बहुत खुश हो, इससे बड़ी खुशी क्या हो, इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ये जो रज रज के आप दर्शन देते हो अपनी बच्चों को, अपनी संगतों को, और ये देखना ओनली ये बैलून सिल रहे हैं, ये देखिए संगत जी, और पूरा घर बंद है, पूरा घर बंद है, और ये गुब्बारे देखिए झूम रहे हैं, झूम रहे हैं, खुशी है भाई, खुशी है गुरु जी की खुशी है, ये देखो, हाँ देखना शिवाली सभी दर्शन दे रहे हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो जब ऐसी चीजें होती है ना कितनी खुशी होती है सभी के चेहरों पे, वो देखो कैसे वो तेज हो गया, कितना तेज हो गया, तेज हो गया, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। घर पता चल गया हमें शिवाली आंटी की वजह से, सही बात है, सही बात है यार, गुरु जी के दर्शन बड़े अलवेले है बस, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो प्यारी संगत जी ये गुरु जी देखिए आते ही आपको ये हम दर्शन दिखाते हैं प्यारे गुरु महाराज जी के, तो पूरे स्वरूप में अमृत वर्षा हो रही है, ये देखिए ये ऊपर लाइट पड़ रही है तो इतना ज्यादा मैं दिखा नहीं पा रही, जय गुरु जी के मुंह से ये देखिए कैसे ये धाराएं निकल रही हैं, रज रज के दर्शन देना दाता, रज रज के शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, और ऊपर पैनल से भी जल वर्षा हो रही है, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरु जी का बहुत ही सुंदर दरबार सज चुका है संगत जी, और अपनी गद्दी पे गुरु जी विराजमान हो गए हैं पहले से ही, सत्संग शुरू होने से पहले ही विराजमान हो गए हैं, जय गुरु जी। ये रखिए आप हलवा प्रसाद, तो कुछ ही देर में सत्संग शुरू हो जाएगा और दरबार सज रहे हैं गुरु महाराज जी का, हमें दिल्ली का, अच्छी बात है, बड़े मंदिर एक बार फिर से जाना है, नहीं अच्छी बात है, जब हम जाना होगा ना तो हम आप, मैंने उस दिन पूछा था आपको अब कहाँ जा रहे हैं, वंदना आंटी वैसे भी दिल्ली जाना चाहती है दोबारा से, तो बुलावा भेज रहे हैं गुरुजी, दिल्ली कहाँ पर, दिल्ली कहाँ पे आंटी, नोएडा, वो आज दीदी कर रहे थे ना
ना फोन, तो उन्होंने कहा आप तैयार रहो, अब दिल्ली आना है सबने। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लो आप डेट कोई, जैसे गुरुजी की इच्छा, बस इन्हीं पे छोड़ रखा है। होना चाहिए। और बैलून देखना कितनी तेजी से डांस कर रहा है, वो देखना, वो देखना और तेज हो गए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो गुरुजी नजारा दिखा रहे हैं अपना, याद करा दे ना। जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी। कैसे हो? ठीक ठीक आंटी। जय गुरुजी। बच्चे उधर जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। मेरे को वो दिन याद आ रहा है जिस दिन मैं उधर ही था। हमें भी आंटी आपकी बहुत याद आ रही है, आप होते तो अच्छा लगता। इसकी बेटी चलो अब मेरे को निकलना है ना, मैं पैकिंग वैकिंग में लगी हुई हूं। कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक गुरुजी, आपको कितनी ढेरों खुशियां दे और आपके अंग संग रहे, जहां जा रहे हो वहां साथ साथ हो, आपके साथ साथ हो, आशीर्वाद देते रहना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सारी संगत की तरफ से आपको जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। बंद ना इसमें, क्यों मत डालो। बेस्ट ऑफ लक आंटी, हैप्पी जर्नी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और गुरु जी की अनंतम असीम कृपा से आज हम अपना सत्संग करने आ गए हैं बहुत ही प्यारी आंटी अंकल जी के घर पे त्रिकुटा नगर में। और संगत जी, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो हमें एड्रेस पता नहीं चलता, बट फिर भी गुरु महाराज जी अपनी असीम कृपा बरसाते हैं, हमें पहुंचा ही देते हैं हमारी मंजिल पर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना दातया। और हमें ये जो आपने सेवा सौंपी हुई है, आखिरी दम तक ये हमसे सेवा करवाते रहना, और जब हमारी सांस भी साथ छोड़े तो आपके चरणों में ही हमारी आखिरी सांस निकले, तो बहुत ही अच्छा लगता है संगत जी। जब हम इतने ब्लेस्ड फैमिलीज में सत्संग करने जाते हैं, जहां गुरु महाराज जी इतने अपने नज़ारे दिखाते हैं, और ऐसे ऐसे नज़ारे कि जिनको देख के आंखें भर आती हैं और खुशी होती है कि गुरु जी महाराज हमारे साथ हैं हर पल। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और बहुत ही सुंदर अद्भुत ये बोले बाबा बोले शंकर जी की मूर्ति इन आंटी जी के घर में है, जिसे देखते ही ऐसे लग रहा था कि अभी इनकी आंखें खुली, अभी इनकी आंखें खुली। तो बहुत ही अद्भुत बोले बाबा बोले शंकर जी का ये रूप था। बहुत ही प्यार और सम्मान मिलता है गुरु महाराज जी के सत्संग में, और मान और सम्मान कौन नहीं पाना चाहता, बस उसी को मिलेगा मान और सम्मान। वही हकदार है जो कुछ पल सच का संग करेगा। आम इंसान है, आदमी है हम, इंसान जोनी में पैदा हुए हैं, तो लाखों हमारे अंदर छल कपट होंगे, लाखों हमारे अंदर बुराइयां होंगी, तो जब हम प्यारे गुरु महाराज से जुड़ते हैं संगत जी, तो वो बुराइयां भी अच्छाइयों में बदल जाती हैं। और कुछ तो गुरु जी बदलते हैं, और कुछ चीज़ें अपने आप भी हमारी बदल जाती हैं जब हम अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, गुरु नाम के रास्ते पर चलते हैं, गुरु जी का नाम लेते हैं संगत जी। तो गुरु जी अपनी असीम कृपा बरसाते हैं अपने बच्चों पर, और बहुत ही खुशी हुई जब आते ही हमें गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। Oh.
सारे गुरु महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जिस परिवार में आज गुरु महाराज जी आए हैं, लख लख बधाइयां हो आंटी जी अंकल जी आपको, जहां गुरु जी ने इतने नजारे दिखाए हैं और अभी भी दिखा रहे हैं। तो संगत जी, ये गुरु जी कमाल है, धमाल है, मैं कहती हूँ कमाल धमाल है। कहां कहां नहीं ये अपना नाम की ये जो चर्चाएं करा रहे हैं, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर। मैं कहती हूँ संसार का अभी लगता नहीं कोई कोरोना बचा होगा जहां गुरु जी का प्रचार नहीं हो रहा। इवन जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है, दुबई, कुवैत, कितने ऐसे शहर हैं, यहाँ पे शहर कह रही हूँ सॉरी कंट्रीज, जहां पे गुरु जी का इतना बोलबाला हो रहा है। अभी मुझे 3-4 दिन पहले दुबई से एक आंटी जी मेरे घर के पास रहती है, उनकी बेटी रहती है, तो उसने मुझे ये लॉकेट प्रसाद के रूप में दिया, मुझे ब्लेसिंग दी। तो मैंने कहा आपके दुबई में तो ज्यादातर मैंने जहां तक सुना है गई तो नहीं हूँ, वो मुस्लिम कंट्री है, तो वहां कहती नहीं वहां बहुत है और इवन मुस्लिम भी बहुत मान रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि गुरु जी ने जातिवाद ही खत्म कर दिया, सबसे बड़ी बात जातिवाद ही खत्म कर दिया। और सबसे उससे भी बड़ी बात ये, हम जो लोगों को प्रॉब्लम होती थी आंटी अंकल वाली, सफल खत्म कर दिया। मजाल है कोई भी गुरु जी की सेवक आंटी कहने पर चिड़े, खुश होती है। पर पहले क्या था, हम जैसे हो गया किसी को आंटी बोल दिया, आंटी मत कहो, आंटी मत कहो। तो अब है कि अगर कोई हमें आंटी कहता है तो हमें अपने आप पर गुमान होता है, गुमान कि हम गुरु जी वाले हैं, इसीलिए हमें आंटी जी कहा जा रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु महाराज जी की लगाते हैं संग जी हाजरी। और हाजरी के बाद इस घर के जो अंकल और आंटी जी, जिन्होंने आज ये इतना बड़ा हमें ये जो अवसर दिया गुरु जी के संग बैठने का, और जहाँ गुरु जी नजारे दिखा रहे हैं, आंटी जी ने आते ही सुनाया है कि गुरु जी के मुख से शहद वर्षा हो रही थी और उसके सारे निशान ये सब रूप में अभी भी दिख रहे हैं। और संगत जी, जरूर आप लोगों को भी कोई ना कोई ब्लेसिंग मिली होगी यहाँ बैठ के, क्योंकि ब्लेसिंग वही है जो गुरु जी दर्शन देते हैं। तो जरूर किसी ना किसी को गुरु जी के दर्शन हुए होंगे, तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैं तो यही कहूंगी ये ब्लेसिंग है, इसे दूर दूर तक पहुंचाना है। और मुझे 3-4 बार ये जो गुरु जी का दुपट्टा है पूरा हिलता हुआ दिखा है, और उसके बाद संगत जी मुझे यहाँ सेंटर में, अब देखिए गुरु जी सभी को ना अपने अपने तरीके से ब्लेस करते हैं, मेरी जो ब्लेसिंग है मुझे वो इसी तरह से दर्शन देते हैं, कभी ज्योत में कभी ओम बना दिया। तो आज मुझे यहाँ सेंटर में बिल्कुल गद्दी के पूरा उनका फेस दिख रहा था, आंखें दिख रही थी। तो अगर इस तरह से आपको भी अगर कोई ब्लेसिंग मिली हो तो संगत जी जरूर शेयर कीजिएगा। तो उससे पहले लगा लेते हैं हाजरी गुरु नाम की, और हाजरी की आवाज आपको बताइए संगत जी, सिर्फ मेरे गानों तक नहीं आनी चाहिए, डुगरी तक, बड़े मंदिर तक जानी चाहिए। जय जय गुरु जी, 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 धन धन 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 गुरु जी, वाह वाह 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 गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना रज रज के दर्शन देने का शुक्राना गुरुदेव अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो प्यारी फैमिली की मेरी प्यारी आंटी जी और अंकल जी, आके आप जितनी भी संगत आई है, सबसे पहले आप गुरु महाराज जी का शुक्राना करेंगे और उसके बाद आई हुई संगत का। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, मैं शुक्र गुजार हूँ कि आपने मेरे घर को पवित्र किया, मुझ पे बहुत मेहरबानी की, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ 2016 में, मार्च का महीना था, मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए, तो डॉक्टर ने यहाँ पे कहा कि ये तो यहाँ जम्मू में तो इलाज नहीं हो सकता है, आप दिल्ली में जाके इलाज करो, क्योंकि इनके यूरिनरी ब्लैडर में
उन्होंने कहा कि ये मैग्नेसी है, इसलिए यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो हम लोग दिल्ली गए तो वहां पे डॉक्टर ने हमारे फेस पे ही कह दिया, जिसको सुन के इनको बहुत ही अचंभे में रह गए। तो ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ये बहुत अग्रेसिव बन गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और मैं बहुत रोई डॉक्टर के सामने। तो मेरे ब्रदर के दामाद और बेटी भी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा बुआ जी आप रो नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको गुरुजी के पास ले जाऊं। मैंने कहा कौन गुरुजी? कहते छत्रपुर में है, आप चलो मेरे साथ। तो हम हॉस्पिटल से निकल के वहां सीधे छत्रपुर चले गए। वहां पे बहुत रश था और जैसे ही हम एंटर किए वहां पे कोई गेट पे ही कोई लेडी खड़ी थी, लेकिन वो थे गुरुजी जी। तो उन्होंने क्या किया, इनको इनको सामने लेके इनको कहा कि जो जेब में आपकी दो डब्बियां है ना वो मुझे दे दो। तो ये कहने क्या है मेरे पास, कहते सिगरेट की दो डब्बियां हैं वो दो मुझे। तो उन्होंने आते ही उसको फाड़ के दो टुकड़े करके डस्टबिन में फेंके, बोलो जाओ आप लंगर प्रसाद करो, सब ठीक हो जाएगा। बस उसके बाद इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। जय 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 शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ, शुक्राना 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 गुरुजी। तब से बिल्कुल ठीक है, कोई शिकायत नहीं है तब से। जय गुरुजी जय शुक्राना गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैंने ना मेरे घर में ना एक दिन मैं सोई, रात को पूजा शूजा की मैंने, फिर सोई सुबह उठ के मैं आई और मैं करने लगी पूजा। पूजा जब मैं करने लगी तो मेरे एक इस मंदिर की जोत में नहीं, मैंने एक टीका आया, चंदन का टीका मेरे उसमें था। तो फिर मैंने सबको बुलाया घर में, तो मैंने बोला देखो आज गुरुजी ने मुझे पहली बार दर्शन दिए, चंदन का टीका आया। फिर दूसरी बार मेरे घर में, मैं सुबह 5 बजे पूजा कर रही थी, तो फिर मेरे घर में आए गुरुजी, दिए में चांद बन गया, चांद में गुरुजी बैठे थे और टांगे दो नीचे करके, मैं मेरी आवाज निकल गई जोर से, ये आ गई कमरे से, क्या लग गई? मैंने बोला नहीं मुझे नहीं लगी, आप देखो दर्शन कर लो। बोलती हाय गुरुजी है। तो मैंने बोला चलो शुक्रिया गुरुजी, आपने हमें इस काबिल समझा कि दर्शन दिया। जय गुरुजी जय शुक्राना गुरु जी।
मंच में अवा अवा जय गुरुजी आती जी जय चलो जय आ कभी कभी आया करो यार मैं अकेली ओके कोई नहीं अच्छा जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी गानो आंटियों मैं सबको सभी जय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जल्दी जल्दी आ जाओ जय गुरुजी शुक्राना।